हेलो एवरीवन इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज एल्कोरिदम एंड हाउ टू राइट एन एल्कोरिदम तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एल्कोरिदम एन अल्कोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आपको कोई भी रेसिपी कुक करनी है आपको कुछ भी बनाना है लेटस से आपको पनीर की कोई सब्जी बनानी है आप ऑनलाइन चेक करते हो रेसिपी ऑफ पनीर तब आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आता है क्योंकि पहले आपको ये करना है फिर ये करना है राइट जो step by step instruction है, जो स्टेप स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन है है सीक्वेंस आपको फॉलो करना दैट इज एन एल्गोरिथम उसी को ही हम एल्गोरिथम बोलते हैं नाउ दिस वर्ड एल्गोरिथम इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ अरब मैथेमेटिशियन एक अरब मैथेमेटिशियन थे उनके नाम से ड्राइव हुआ है एंड हिज नेम अल वोजमी उन्होंने फर्स्ट टाइम ये मेथड बनाया जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताते हो कोई भी काम को कोई भी टास्क को पूरा करने के लिए ओके आपको डे टू डे लाइफ में भी आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो कि अगर मान लो फर्स्ट टाइम आप किसी बच्चे को कोई काम बोलते हो तो आप उसको बताते हो कि पहले आपको ऐसे करना है फिर ऐसे करना है यही जो इंस्ट्रक्शन का सेट है दिस इज अल्कोरिथम एक बार इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए बनाना बहुत ईजी हो जाएगा अल्कोरिथम नाउ दिस एल्कोरिथम कैन बी अ सिंपल प्रोसेस सच एज़ मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स जैसे छोटे बच्चे को अगर मल्टीप्लाई करना है टू नंबर्स उसका एक पूरा सिंपल प्रोसेस हो सकता है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी हो सकता है सच एज प्लेइंग अ कंप्रेस्ड वीडियो फाइल आप एल्गोरिदम किस चीज के लिए बना रहे हो कोई भी चीज हो सकती है सिंपल भी हो सकती है आपके लिए सिंपल हो सकती है बट छोटे बच्चे के लिए वो डिफिकल्ट है या बहुत डिफिकल्ट चीज भी हो सकती है कोई भी चीज है कोई भी आपका ऑपरेशन है किसी के लिए भी एल्गोरिदम हो सकती है अगर हम डायग्राम के थ्रू वी कैन से हमारे पास इनपुट है हमारे पास आउटपुट है नाउ इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमें सीक्वेंस फॉलो करना है वो आपका एल्गोरिथम बन जाएगा ओके okay? अब हम देखते हैं कि एल्गोरिथम लिखते कैसे हैं। फर्स्ट हम एक एल्गोरिथम करते हैं सिंपल एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स जब भी आपको एल्गोरिथम बनानी है सबसे पहले आप इमेजिन करके देखोगे कि अगर आपको टू नंबर्स का सम निकालना है तो आप क्या क्या करोगे आप दो नंबर्स लोगे मान लो वो नंबर्स है एक्स वाई ठीक है उन दोनों को ऐड करोगे और एक वेरिएबल में डाल दोगे अब वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है मान लिया हमने सम यही प्रोसेस है पहले इनपुट करवाए एक्स वाई कैलकुलेट किया कैलकुलेट करने के बाद जो सम आया वो आपका आंसर बन जाएगा यही करेंगे हम सब तो देखते हैं इसको एल्कोरिदम में कैसे करेंगे देखो एल्कोरिदम हमेशा कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी और एंड होगी तो फर्स्ट और लास्ट आपका हमेशा स्टार्ट एंड एंड होगा ठीक है तो स्टार्ट किया हमने एल्कोरिदम एक नंबर लिया हमने एक्स सबसे पहले उसको रीड किया यूजर से लिया हमने ओके okay, एक फर्स्ट नंबर बता दो अब सेकेंड नंबर बता दो अब एक्स और वाई में हमने दो नंबर यूजर से ले लिया उसके बाद हमने उनका सम कैलकुलेट कर लिया सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई उसके बाद उस सम को हम डिस्प्ले कर देंगे आउटपुट कर देंगे यही किया था हमने एल्गोरिथम लिखने से पहले भी हमने यही प्रोसेस किया था दो नंबर लिए थे सम कंप्यूट किया था और उसको आउटपुट कर दिया था वही हमने अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डाल दिया सो दिस इज योर एल्गोरिथम और जैसे आप सम को डिस्प्ले कर दोगे उसको स्टॉप कर दोगे डन सो दिस इज योर एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर एक और एग्जाम्पल देखते हैं एल्गोरिथम टू फाइंड लार्जर ऑफ टू नंबर्स अगेन हम यूजर से दो नंबर ले रहे हैं एक्स वाई अब चेक कर रहे हैं कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है और जो भी बड़ा नंबर होगा उसको हम आउटपुट कर देंगे तो लेट अस सी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम को दो नंबर यूजर से इनपुट कर पाए एक्स एंड वाई अब हम चेक करेंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई देखो अगर हम इसको अपने माइंड में भी सोचते हैं इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा तो हम यही सोचेंगे कि अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो तो बड़ा हमारा x हो जाएगा वरना y हो जाएगा आप किसी भी लैंग्वेज में सोच सकते हो अगर आप इंग्लिश में करोगे इफ़ x इज ग्रेटर देन y, देन y लार्जर नंबर विल बी x, अदरवाइज लार्जर नंबर विल बी y। तो वही जो आपका सेंटेंस है उसको हम एक फॉर्म में लिख रहे हैं इफ x इज ग्रेटर देन y, देन लार्जर इक्वल्स टू x, एल्स लार्जर इक्वल्स टू y. अभी मैंने अदरवाइज़ की जगह एल्स क्यों यूज़ किया है जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे उसके अंदर आपको इफ़ एल्स मिलेगा वो इसीलिए यूज़ होता है जब आपको दो ऑप्शन में से कोई एक चूज़ करना है इस टाइप के प्रोग्राम्स के लिए ओके सो यू विल राइट इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन लार्जर इक्वल्स टू एक्स एल्स लार्जर इक्वल्स टू वाई काम आपका वही कर रहा है ये उसके बाद जो भी लार्जर में होगा उसको आपने डिस्प्ले कर दिया एंड देन यू विल स्टॉप नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि लार्जर क्या चीज़ है जैसे एक्स और वाई आपने दो वेरिएबल लिए हैं वैसे लार्जर भी एक वेरिएबल है बट हमने लार्जर को कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया देखो तो ये एक मेथड है अल्कोरिथम बनाने का अब मैं आपको एक और बताती हूँ स्टार्ट किया सबसे पहले आपने जो जो वेरिएबल आपको चाहिए एल्गोरिथम में वो आप डिक्लेयर कर रहे हो डिक्लेयर वेरिएबल्स एक्स वाई लार्जर ये मैं तीन वेरिएबल ले रही हूँ आप लार्जर की जगह जेड भी ले सकते हो कोई भी वेरिएबल ले सकते हो फिर फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को हमने रीड कर लिया एक्स और वाई की तरह मान लो फर्स्ट हमने यूजर ने डाला फाइव दूसरा डाला टू तो एक्स के अंदर चला जाएगा आपका फाइव वाई के अंदर चला जाएगा टू फिर आप चेक कर रहे हो कि क्या एक्स मेरा बड़ा है वाई से इज फाइव ग्रेटर देन टू अगर यस yes, तो लार्जर एक आपका वेरिएबल है उसके अंदर चला जाएगी एक्स की वैल्यू अगर नहीं अगर मान लो ये फोर्स होता मान लो यहाँ आपने यूजर ने डाला होता फाइव एंड सेवन तो लार्जर में चला जाता वाई जो भी जाता है उसको आप डिस्प्ले कर देते और आप स्टॉप कर देते तो सेम है दोनों से आपको इनपुट सेम रहेगा आउटपुट सेम मिलेगा इनपुट वाई एक्स और वाई आप डाल रहे हो आउटपुट में आपको जो भी बड़ा नंबर है वो मिल रहा है दोनों एलगोरिदम ठीक है ना कोई एक आपका स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता कोई भी एलगोरिदम बनाने का हो सकता है तीन बच्चे है तीनों ने अलग अलग अल्गोदम बनाई और तीनों ने सही किया है मेन ये है कि जो बीच की जो प्रोसेसिंग है वो ठीक होनी चाहिए आपके अलगोरिदम किसी भी ले मैन को समझ आनी चाहिए कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप गूगल पे कोई रेसिपी सर्च करते हो और इतने कॉम्प्लिकेटेड है आपको समझ नहीं आ रही कि क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है तो आप उस चीज़ को कभी यूज़ नहीं करोगे कभी विजिट नहीं करोगे उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करोगे अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं एल्गोदम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर नाव हम सब मैथ्स में बढ़ के आए अगर कोई भी नंबर है इसे फोर उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर राइट अब इसकी एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे देखो एल्गो लिखने के लिए कभी भी जल्दी नहीं करनी सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप बाई स्टेप हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ओके यूजर ने एक नंबर दिया एन मान लो वो है फोर तो अब हम क्या करेंगे वन लेंगे वन में टू मल्टीप्लाई करेंगे जो भी उसका आंसर आएगा उसमें थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आएगा उसमें फ़ोर मल्टीप्लाई कर देंगे ये कब तक करेंगे जब तक हम जो भी यूजर ने नंबर लिया है वहाँ तक मल्टीप्लाई नहीं करते मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ वन इंटू टू या आ गया आपका टू फिर आप इसके अंदर आप थ्री मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आ गया सिक्स फिर इसके अंदर आप फोर मल्टीप्लाई कर दोगे ट्वेंटी फोर फिर आप फाइव मल्टीप्लाई कर दोगे तो कब तक मल्टीप्लाई करते रहोगे जब तक वो एन की वैल्यू तक हम नहीं पहुंचते इस तरह हम इस एल्कोरिज्म को बनाने की कोशिश करेंगे देखते हैं स्टार्ट किया अब जो जो वेरिएबल्स की ज़रूरत है वो मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दी एन अप का वेरिएबल है जो भी आप यूजर आपको देगा नंबर जिसका फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है फैक्ट आपका एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे आई एक हमने वेरिएबल लिया है जो काउंटर की तरह वर्क करेगा अभी आपको समझ आएगा क्या करेगा ये रीड किया हमने नंबर एन को यूजर से ले लिया अब हमने ये दो वेरिएबल्स है फैक्टोर आई इनको हमने वन से इनिशलाइज कर दिया है अब इसमें कर रहे हैं हम रिपीट स्टेप एक्स फॉर आई इक्वल्स टू वन टू एन अगर हमें एन का फैक्टोरियल निकालना है सो आई वॉन्ट टू डू वन इंटू टू इन थ्री इंटू फोर अप टू एन एन तक हमें मल्टीप्लाई करना है सो so, आई हमारा इसी को ही डिनोट कर रहा है कि कितने टाइम्स हमें जाना है कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आई को हम वन से एन तक लेके जा रहे हैं अब कर क्या आ रही है इसके अंदर फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इन टू आई आप देखते हैं क्या करेगा ये लूप वाले क्वेश्चन होते हैं ये जब आप प्रोग्रामिंग करोगे आप और क्लियर हो जाएंगे जैसे फैक्ट हमने इनिशियलाइज कर लिया था वन से सो so, फैक्ट की वैल्यू राइट नाउ है वन उसके अंदर अब आई की वैल्यू है आपकी वन फैक्ट इंटू आई वन इंटू वन वन बन जाएगा आपका ठीक है अब आपको आई की वैल्यू वन से एन तक लेके जानी है दैट मीन्स आपने आई में वन का इंक्रीमेंट कर दिया नाउ वैल्यू ऑफ आई इज टू अब जो भी आपका फैक्ट की वैल्यू थी उसमें आप टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो सो वन इंटू टू विल बी टू फिर आप i की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे i की वैल्यू हो जाएगी थ्री नाव फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू है राइट नाउ वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल इज टू आप i को उससे मल्टीप्लाई कर दो कर दोगे ये आपका बन जाएगा टू इंटू थ्री या आ जाएगा सिक्स ये आपकी फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी फिर आप i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दोगे कब तक ऐसे करोगे जब तक आप n तक नहीं पहुंचते आप जस्ट टेक योर टाइम आप अपना पेन पेपर लेके बैठो सोच के देखो तो आपको समझ आएगा ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जो भी एंड टाइम्स तक उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसके आउटपुट को डिस्प्ले कर दोगे ये एक मेथड है मैं आप एक और मेथड आपको बता रही हूँ कैसे करोगे इतना प्रोसेस आपका सेम है स्टार्ट किया डिक्लेयर किए वेरिएबल्स मैं ले रही हूँ नंबर्स को रीड किया फैक्ट और आय आपने दो वेरिएबल्स ले लिए नाउ देखो इसमें कंडीशन मैंने क्या लगाई है रिपीट अंटिल आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन आई की फंक्शनैलिटी वही है वन इंटू टू इंटू थ्री अप टू एन तक हमें ये करना है ये प्रोसेस दो दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है बट ये अब हम i को कब तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक i की वैल्यू n के बराबर नहीं पहुंचती शुरू में i की वैल्यू वन है वन बाय वन इंक्रीमेंट करके उसको n तक हमें पहुंचाना है आपके स्टेटमेंट सेम है फैक्ट इक्वल्स टू तो फैक्ट इन टू आई आई इक्वल्स टू तो आई प्लस वन ये करने के बाद मैं i में वन का इंक्रीमेंट करूँ पहले i की वैल्यू वन थी जैसे कि ये आपका बन गया फैक्ट ये बन गया आई इनिशियल फैक्ट इज इज वन ये स्टेटमेंट हमने एक्जीक्यूट की फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इन टू आई फैक्ट की वैल्यू वन ही रही कोई चेंज नहीं आया आई की वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट कर दिया आय हो जाएगा आपका टू अगेन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई दैट इज वन इंटू टू हो जाएगा नाउ वैल्यू ऑफ फैक्ट इज टू अब आई की वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट कर देंगे आई हो जाएगी थ्री ऐसे ही ये प्रोसीड करेगा आप अगर मैथमेटिकली भी करके देखोगे ना बस आपको ये चीज याद रखना है आप सारे नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो आप दो नंबर को एट अ टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो ठीक है यहां हम सिर्फ दो ही नंबर्स को एट अ टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उस मल्टीप्लीकेशन के स्टेटमेंट को कैसे ब्रेक करोगे तो वो ऐसे ही होगी जस्ट टेक योर टाइम थिंक अबाउट इट और अगर फिर भी आपका कोई डाउट आता है यू कैन आस्क मी एनी टाइम जस्ट पिंग मी एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन ओके सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे एल्कोरिदम्स फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे हम बनाते हैं आप कैसे भी लिख सकते हो एल्कोरिदम बहुत सारे मेथड्स हैं बस आपका लॉजिक ठीक होना चाहिए सबसे पहले एल्को लिखने से पहले आपको मैथमेटिकली सोचना है कि मुझे करना क्या है उसके बाद आप एल्कोरिथम बनाओगे ठीक है आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल थैंक यू ऑल